Hello everyone, welcome to Hustlogy India. This is Ansh. And this is Appy. Welcome to episode 1 of Appy and Ansh series. Click on Zombie Apocalypse. आज हम बात करने वाले हैं चार ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ पे शादी का मामला कुछ अलग ही है। अच्छा, ठीक है। पहली कंट्री है बुल्गारिया, जहाँ पे शादी के लिए लड़कियों का बाजा लगाया जाता है। ये परंपरा पिछले 3000 सालों से चलती आ रही है, जो कि बुल्गारिया के कलाइटजी समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, पेरेंट्स ही अपने लड़कियों को बाजार में लेके आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और जो लड़का सबसे ज्यादा बोली लगाता है, उसी लड़के से पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी उनसे करा देते हैं। यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं है। दूसरा जो देश है वो है ब्राजील। ब्राजील का एक गांव जिसका नाम है नोइवा दे कोर्डियरो। यहाँ पे लड़कियों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, 1500 लड़कियों पे सिर्फ 2 या 3 ही लड़के अवेलेबल हैं। तो हमारे देश के सिंगल लौंडो, इंतजार किस बात का, पासपोर्ट बनाओ और निकल जाओ। पाकिस्तान का एक गांव है कलासी, जहां पे सालों से एक परंपरा निभाई जा रही है। साल में वहां पे एक बार मेला लगता है और वहां बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां और लड़के आते हैं, और कहा जाता है कि वो लड़के और लड़की ने अगर एक दूसरे को पसंद कर लिया तो वहीं से भाग के शादी कर लेते हैं। ये बात सच है कि यहां से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हां ना, ये सच है, भाग जाते हैं। आज सच में बहुत दर्द हो रहा है कि क्यों दोनों देशों का बंटवारा हुआ। अगर आपको भी करनी है किसी फॉरेनर से शादी तो देर किस बात की, फ्लाइट पकड़ो और निकल जाओ। तो मैं बात कर रहा हूँ आइसलैंड की। यहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है कि यहाँ की गवर्नमेंट आपको $5,000 दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको इधर आना है, शादी करना है और इधर ही घर बसाना है। मतलब मनी भी है और हनी भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और फैला दो इस वीडियो को अपने सारे सिंगल दोस्तों के पास। क्या पता इस ठंड में उनकी भी शादी हो जाए। बाय बाय।